हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनुराधा मिनोजवा, एक टैरो कंसल्टेंट। और आज ये जो भी वीडियो लेकर आई हूँ ना, ये बेसिकली बेस्ड है मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर। इस वीडियो में मैं बेसिकली अपना थोड़ा सा आपके साथ लाइफ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आया था बैक इन 2014। एंड ये मैं आपको इसलिए भी बताना चाहती हूँ कि जब हम यूनिवर्स पे बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं, जब हम अपनी लाइफ का चार्ज अपने ऊपर पूरा कम्प्लीटली ले लेते हैं एंड वी ट्रस्ट द यूनिवर्स, एंड देन जब हम बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं ना यूनिवर्स को कि ओके, मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है वो ओके, मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, जब हम ऐसा सोच लेते हैं तो आपकी लाइफ में लिटरली जो भी होता है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होता है। बट इट्स जस्ट दैट यू नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो मैं आपको थोड़ा सा अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी आपके साथ ये शेयर करने का, देन आई थॉट कि चलो आज करते हैं। सो आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगती है मेरी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरा कॉर्पोरेट करियर था, मैं बेसिकली बहुत टाइम से काम कर रही थी। मैंने 12th के बाद ही वर्क करना स्टार्ट कर दिया था आउट ऑफ माई पैशन कि मुझे काम करना है, बाहर जाना है। तो मैंने बहुत जल्दी काम करना स्टार्ट कर दिया था। आई वॉज वर्किंग, लेकिन मैं कभी भी अपनी जॉब में सीरियस नहीं थी। अगर मैंने एक जगह काम किया, आई वर्क देयर फॉर 1-1.5 ईयर, देन आई लेफ्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर माई एग्जाम्स। फिर मैंने कहीं पे काम किया, वहाँ पे अच्छा नहीं लगा तो 6 महीने में छोड़ दिया, देन अगेन आई गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी। सो आई यूज टू डू लाइक दैट, क्योंकि आई एम नंबर 5 पर्सन, तो नंबर 5 पीपल आर लाइक दैट, देयर इज फ्रीडम लवर, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है नहीं करते हैं। सो आई फॉलो माई हार्ट बेसिकली, एंड मैं अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेती हूँ, टच वुड, आईवर से मैंने आज तक कभी रिग्रेट नहीं किया अपने डिसीजंस को। तो मेरे साथ हमेशा से रहा है, एंड आई एम सो ब्लेस्ड ऑल्सो कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आई नो हर कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता कि जॉब अच्छी नहीं लग रही है छोड़ दिया, एंड तो मेरे साथ यही चलता रहता था। बट आई एम सो ग्रेटफुल। तो मैंने लास्ट कंपनी जो अपनी की थी वो थी 2013 में। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में 6 महीना काम करके छोड़ दिया। आई डिडंट लाइक दैट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इश्यूज थे, आई गेस नाइट शिफ्ट की वजह से राइट था। तो मैंने ना, आई वॉज वर्किंग इन ट्रैवल रिलेटेड प्रोफाइल, आई हैव डन ट्रैवल टिकटिंग कोर्स, तो मैं ट्रैवल, जैसे मैंने यात्रा में काम किया हुआ था, मैंने एक्सपीडिया में काम किया था, तो मेरा वो सारा प्रोफाइल था। आई वॉज गेटिंग कॉल फ्रॉम UK क्लाइंट्स फॉर मेकिंग देयर पैक हॉलीडे पैकेजेस। तो क्योंकि उसमें शॉर्ट शिफ्ट था, तो फिर जब मैंने वो छोड़ दिया, बिकॉज उसकी वजह से मेरी हेल्थ इम्पैक्ट होने लग गई, तो आई लेफ्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन। एंड उसके बाद से मुझे था कि बस, आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे जो जॉब चाहिए ना, मुझे चाहिए डे शिफ्ट जिसमें कॉलिंग ना हो, और सैटरडे संडे फिक्स ऑफ हो। क्योंकि मेरी ट्रैवल में क्या होता था, आपका सैटरडे संडे फिक्स ऑफ नहीं होता था, 2 ऑफ होते थे बट एक रोस्टर होता था, लाइक कभी वीकडे में कभी वीकेंड में, तो वो बहुत इश्यूज थे। तो मुझे ये 3 चीज़ें चाहिए थे, एंड आई वॉज वेरी फोकस कि मुझे वैसी ही जॉब चाहिए, चाहे मैं टाइम लूँगी, चाहे मैं 2 महीना लूँ 3 महीना लूँ, बट आई वुड गेट एंड अप ज्वाइनिंग समवेयर जो कि ऐसी कंपनी हो। मुझे BPO एंड कॉल सेंटर में नहीं जा रहा था। तो बट उसके बाद जब मैंने ब्रेक लिया, तो मुझे सिर्फ BPO कॉल सेंटर्स के ही कॉल, इंटरव्यू कॉल आ रहे थे। बट आई वॉज लाइक, नहीं मुझे नहीं करना है। बट आई वॉज फेड अप वन डे, मतलब क्या यार, यही कॉल आते जा रहे हैं BPOs एंड इन सब के, मुझे इनमें नहीं जाना है। सो दिस वॉज वन थिंग दैट आई वॉज वेरी फोकस, आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे मॉर्निंग शिफ्ट चाहिए, मुझे कॉलिंग प्रोफाइल नहीं चाहिए, और मुझे सैटरडे संडे फिक्स चाहिए। ये 3 चीज़ में आई वॉज वेरी फोकस्ड, आई वॉज वेरी क्लियर। तो मैंने टाइम लिया, मैंने इंटरव्यूज के लिए, मेरे पास यही आते रहते थे। एंड एक दिन मुझे कॉल आया अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी का, मुझे पता लगा कि एमएक्स में जॉब इंटरव्यू चल रहा है। आई वाज सो सुपर एक्साइटेड, क्योंकि उस टाइम पे एमएक्स लाइक अमेरिकन एक्सप्रेस एक ऐसी कंपनी होती थी जो कि आई श्योर आज भी है, एम्प्लॉयज फ्रेंडली थी, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के लिए वो बहुत कुछ करती थी, कैब्स देती थी, एंड फिक्स सैटरडे संडे ऑफ था उसमें, एंड पैकेज सैलरी बहुत अच्छी देती थी, एंड कॉलिंग अगर होता भी था ना तो कम होता था, आई मीन डिफरेंट प्रोफाइल होते थे। तो मेरे पास जब कॉल आया ना कि एक प्रोफाइल के लिए है एंड इसमें आपको करना है, तो बट उस टाइम पे क्या था, एमएक्स से जब मुझे जॉब ऑफर आया ना, तो आई वाज लाइक भाई एमएक्स के लिए तो मैं कुछ भी करूँगी, आई मीन अगर मुझे थोड़ा सा कॉलिंग भी करना पड़ा आई वोंट माइंड, क्योंकि एमएक्स आया एमएक्स, तो एंड आई वॉज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। आई वॉज लाइक वाओ, इसमें मेरा हो जाएगा ना तो बस मेरी लाइफ बन जाएगी फिर तो, क्योंकि मुझे ये पता था कि एमएक्स में ना लोग 10-10 साल भी काम कर लेते हैं। एंड मैं उस टाइम पे ना बहुत करियर ओरिएंटेड नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज नॉट वेरी पैशनेट
टूवर्ड्स माई करियर, बिकॉज मुझे बस ये था कि हाँ ना अच्छी सैलरी आ जाए, अपना सेविंग कर लो, अर्न कर लो एंड दैट्स अच्छी लाइफ जियो, दैट्स ऑल. मेरा कोई मोटिव नहीं था. तो मैं उस इंटरव्यू के लिए गई. तो मेरा फर्स्ट राउंड, एंड उस टाइम पे क्या होता था कि कंसल्टेंसी वाले अपना ना वॉक इन कराते थे इंटरव्यू, कंपनीज में डायरेक्टली नहीं भेजते थे. तो मैंने उस कंपनी में, मैं कंसल्टेंसी में गई, 2 घंटा ट्रैवल करके मैं उस कंसल्टेंसी गई. मैंने अपना, तो उसमें टेलीफोनिक मेरा फर्स्ट राउंड हुआ, उसमें मैंने क्लियर कर दिया. देन मेरा सेकेंड राउंड हुआ था वॉइस एंड एक्सेंट राउंड, वो भी मेरा क्लियर हो गया था. तो आई वॉज लाइक कि वाओ चलो 2 राउंड हो गए, फाइनल राउंड बचा है, वो तो हो ही जाएगा क्लियर. सो आई वॉज सो हैप्पी एंड आई वॉज लाइक कि वाओ एमएक्स. देन उसके बाद 2-3 घंटे के, 1-2 घंटे के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपका फाइनल राउंड है, वो भी टेलीफोनिक ही होगा. तो उसके लिए वो मुझे दूसरी जगह पे लेके गए थे, उनके दूसरे ऑफिस में कंसल्टेंसी में. वहाँ पे आई डोंट नो क्या था उस टाइम पे, शाम के 7-7:30 बजे बेसिकली मेरा इंटरव्यू फिर हुआ कॉल, फाइनल इंटरव्यू. बेसिकली पूछा था, वो ज़्यादा नहीं था. एंड मेरा वो, जब उन्होंने मुझे बताया कि आप रिजेक्ट हो गए उसमें, एंड जब मुझे पता लगा कि मैं रिजेक्ट हो गई हूँ, इट वॉज सो डिसहार्टनिंग फॉर मी. क्योंकि मुझे बस ये था कि यार एमएक्स जैसी कंपनी और कोई है नहीं. एंड यू नो आई वॉज लिटरली फेल्ट कि यार वॉट नेक्स्ट, मतलब एमएक्स में नहीं हुआ तो अब तो मुझे ऐसी कंपनी और कोई है नहीं जो मुझे इतना अच्छा पैकेज दे, जो मुझे कैब्स दे. क्योंकि उस टाइम पे कैब्स एंड ऑल ना इतनी कॉमन नहीं थी, जैसे आजकल तो हर एक कंपनी कैब देने लग गई है, उस टाइम पे इतनी कॉमन नहीं थी. तो आई वॉज लाइक यार अब क्या, फिक्स सैटरडे संडे कहाँ मिलेगा मुझे, यू नो नॉन कॉलिंग प्रोफाइल कहाँ मिलेगा मुझे, कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो मुझे ऐसा मिलेगा. मैं बहुत डिसहार्टनिंग हो गया था मेरे लिए. एंड मैं, इनफैक्ट आई क्राइड व्हेन आई यू नो केम बैक होम. मैं लिटरली आई क्राइड. आई वॉज लाइक कि यार क्या अब क्या, अब तो मैं 3-6 महीने इस कंपनी में दोबारा अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि 6 महीने का आपका टैट होता है कि आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते. आई लिटरली क्राइड एंड आई वॉज लाइक कि अब तो मेरे लिए कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, अब तो मुझे BPO एंड कॉल सेंटर इन नाइट शिफ्ट पे ही जाना पड़ेगा. बट देन आई वॉज लाइक कि ओके ठीक है चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं. तो फिर मैंने और ऐसे ट्राई किया, कुछ दिन और निकले, मेरे पास वही ऐसी कॉल आती रही BPO कॉल सेंटर. देन वन फाइन डे आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी एंड आई वॉज लाइक कि, क्योंकि मैं बहुत फोकस क्लियर थी इन 3 चीज़ों पे, ये ऐसी कंपनी चाहिए. तो मैंने क्या किया, आई वॉज लाइक कि मेरे पास यही कॉल आती जा रही है, क्यों ना मैं ट्राई करूँ, क्यों ना मैं कुछ रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट्स को सर्च करूँ. तो मैंने क्या किया, गूगल पे जाके मैंने कुछ यू नो ऐसे डाला रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट्स एंड मेरे पास कुछ प्रोफाइल्स आए. तो उसमें कुछ प्रोफाइल्स थे, कुछ नंबर थे जो एक्टिव नहीं थे, कुछ थे जो एक्टिव थे. तो उनमें मेरी 1-2 से बात हुई. तो एक नंबर पे मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मैं अभी कहीं बाहर हूँ, आप मुझे अपना CV फॉरवर्ड कर दो. मैंने कर दिया. थोड़ी देर बाद लाइक शाम को ही मुझे उनका कॉल आया एंड दे सेड कि ओके आपका एक्सपीरियंस तो इतना इतना है, बट हमारे पास एक कंपनी है जो कि स्टार्टअप है. एंड आई वॉज लाइक यू नो उस टाइम पे जैसा मैंने आपको बताया, मेरा कोई ऐसा एम्बिशन नहीं था, मुझे बस ये था कि ये 3 चीज़ें चाहिए. तो उन्होंने बोला स्टार्टअप है, आई वॉज लाइक ओके. फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये कंपनी है 5 डे वर्किंग है, सैटरडे संडे फिक्स ऑफ है, कॉलिंग प्रोफाइल नहीं है आपका, इसमें काइंड ऑफ बैक एंड वर्क है एंड मॉर्निंग टाइम है 8-5. एंड जब उन्होंने मुझे ये बताया तो आई वॉज लाइक कि बस और कुछ नहीं जानना मुझे, मुझे बस यही चाहिए. एंड उन्होंने मुझे 4th चीज़ बताई कि ये तो आपके घर के पास है, जब उनको पता लगा मैं कहाँ रहती हूँ. एंड दे वर लाइक ये तो आपके घर के बहुत पास है, हार्डली 10 मिनट्स का डिस्टेंस है. सो व्हेन दे टोल्ड मी दीज थिंग्स, जब उस कंसल्टेंट ने मुझे ये सब 4 चीज़ें बताई, तो आई वॉज लाइक कि ओके ये भी एग्जिस्ट करता है, ऐसी कंपनी भी है. तो 5 डे वर्किंग, सैटरडे संडे फिक्स ऑफ, 8-5 शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, एंड आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मेरे लिए बहुत ईजी था एंड मेरे घर के पास. तो मैंने लिटरली ध्यान नहीं दिया स्टार्टअप एंड ऑल. तो मैं इंटरव्यू देने गई नेक्स्ट डे. एंड जब मैं इंटरव्यू देने गई तो वो ऑफिस जो था बहुत छोटा ऑफिस था, स्टार्टअप में ऑब्वियसली एज यू नो छोटा ऑफिस होता है. क्योंकि मैंने एक्सपीडिया यात्रा में काम किया हुआ है, आई हैव वर्कड इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 200-250 लोग आपके एक फ्लोर पे होते हैं, एंड उस कंपनी में सिर्फ 10 लोग थे जब मैं गई थी. एंड ऑल आई दैट वॉज एन IT कंपनी, मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था IT कंपनी का. तो जब मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया. दो आई ज्वाइंट एट अ लो पैकेज, थोड़ा कम पैकेज पे ज्वाइन किया, बट आई वॉज लाइक चलो ठीक है बाकी चीज़ें तो मिल रही हैं मुझे. तो मैं उस कंपनी में गई जॉब करने, एंड इनिशियल 1 मंथ एक्चुअली मुझे डिफिकल्ट लगा.
एडजस्ट करने में, तो मुझे हर दिन एक दो दिन लगे ही रहता था कि मैं करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, क्योंकि एक तो वहाँ पे उस टाइम में कोई लड़की नहीं थी, सिर्फ लड़के सारे बॉयज स्टाफ था, तो मुझे था मैं जेल कर पाऊंगी लोगों से, सारा आईटी है, आईटी में लोग यू नो लिटरली सिस्टम कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, एंड मैं मेरे जैसी लड़की जिसको कि लोग चाहिए बात करने के लिए, कोई बोलने वाला हो, एंड वहाँ पे सारे सारे सिस्टम पे बैठे हुए हैं, एंड लंच टाइम भी होता था ना तो उनको बोलना पड़ता था, भाई 2:30 बज गया लंच कर रहा हूँ, तो वो वाला सिचुएशन था. इनिशियल एक मंथ लगा मुझे एडजस्ट करने में, बट आई वुड से दैट आई वाज सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे, वहाँ के जो लोग थे, इवन जो मेरे बॉसेस थे, वो सब इतने सपोर्टिव थे, उन सबने बहुत सपोर्ट किया. आफ्टर 1 month एक्चुअली मैं बिल्कुल डिसाइडेड हो गया कि ओके हाँ मैं अब यहाँ पे काम करने वाली हूँ. एंड यू नो यू वॉन्ट बिलीव, वो जो कंपनी थी ना मेरी, वो कंपनी टर्नड आउट टू बी द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माई होल करियर. मैंने उस कंपनी में 5 साल काम किया, एंड वो मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो मैंने छोड़ी थी, एंड मैंने वहाँ पे ऐसा प्रोसेस एसोसिएट ज्वाइन किया था, देन दे स्विच्ड मी टू एचआर वर्क एंड ऑल. सो मतलब मैं वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगी, बट ट्रस्ट मी वो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस. मैं आज भी यू नो कई बार जब अपने एक कॉलीग से बात करती हूँ ना, आई लिटरली टेल देम दैट बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, यू नो बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ. एक एक दिन मैंने कैसे वहाँ पे मेरा ऐसे निकला है ना, 5 साल कैसे निकल गया मुझे खुद को नहीं पता चला. सो इस स्टोरी से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं बहुत बोल सकती हूँ उसके ऊपर, लेकिन मैं वीडियो लंबा नहीं करूँगी. तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम यू नो लिटरली, अब जैसे मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी आई थी, मैं ये सोच के बोल सकती थी यार स्टार्टअप है नहीं करना, यार ये सब चीज़ें हैं, या फिर अगर मैं चाहती तो यू नो छोड़ भी सकती थी, बट बिकॉज जब मैंने यूनिवर्स से सरेंडर कर दिया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक्शन भी लिया अपने एंड से. ये नहीं कि मैं सिर्फ उन कंसल्टेंट्स के ऊपर डिपेंड थी, मैंने अपने एंड से भी एक एक्शन लिया, यू नो मैंने कुछ डिफरेंट किया, क्योंकि मुझे जब दिखाई दिया कि यार ये जो स्ट्रैटेजी चल रही है कि मैं कॉल का वेट कर रही हूँ, उससे मुझे वर्कआउट नहीं हुआ, तो मैंने अपनी तरफ से एक एक्शन लिया. एंड प्लस क्योंकि उस टाइम पे ना मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना फॉलो नहीं करती थी, बस हाँ मुझे ये पता था कि आपको मैंने गिव अप नहीं किया, मैं फोकस रही एंड मैंने नेगेटिव को नहीं देखा. डेफिनेटली 2-4 दिन थे जब मैं एमएक्स के रिजेक्शन के ऊपर मैं लिटरली बहुत ही वो हो गई थी कि व्हाट नाउ, अब क्या भाई, तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन मैंने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. मैं और यू नो गिव अप नहीं किया, पॉजिटिव रही एंड मैंने अपॉर्चुनिटीज का वेट किया, आई टुक दी इनिशिएटिव. तो यूनिवर्स ने मुझे एक अच्छा ऑप्शन दिया और मैं उस रिजेक्शन को लेकर नहीं बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे ये उस टाइम पे मैं बहुत क्लियर थी कि ओके जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, मे बी इफ नॉट एमएक्स लेटर ऑन कभी होगा, एमएक्स में अभी मैं शायद प्रिपेयर नहीं हूँ. सो दैट वॉज माई थिंकिंग कि शायद मैं अभी एमएक्स के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, बाद में 6 महीने बाद ट्राई करूंगी. तो ये जब मैंने थॉट प्रोसेस अपना किया था तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली. सो दैट इज द ओनली थिंग जो मेरे लिए इसने काम किया कि मैंने रिजेक्शन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, मैं लिटरली गिव अप नहीं किया, मैं आगे मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया, एफर्ट किए एंड मुझे इतनी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी मिली. एंड आई एम सो 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 ग्रेटफुल फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एवरी थिंग. सो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं, अगर आप मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हैं, तो सिर्फ उस टाइम तक बिलीव मत करो कि जो आपकी लाइफ में हो रहा है. अगर आपने मैनिफेस्ट किया जॉब आपको मिल गया, तो आपने ट्रस्ट किया यूनिवर्स पे कि ओके लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है. लेकिन अगर आपने कोई पार्टनर अपने मैनिफेस्ट किया वो नहीं मिला, या मान लीजिए आपने कोई ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट की वो नहीं मिली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं हुआ. इसका मतलब दैट यूनिवर्स हैज़ डिफरेंट प्लान्स फॉर यू, आपके लिए कुछ और अच्छा है, कुछ बड़ा है. सो जो चीज़ नहीं मिली उसके ऊपर क्रिप करने से अच्छा है, उसके ऊपर डिसअपॉइंट होने से अच्छा है, जो आपकी लाइफ में आगे यूनिवर्स ने प्लान किया हुआ है उसको देखो, उस अपॉर्चुनिटी का वेट करो, उसके लिए काम करो, गिव अप मत करो, रिजेक्शंस को और इन सब चीज़ों को अपने ऊपर मत आने दो. आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, यूनिवर्स नोज आपको क्या चाहिए, तो उस पर फोकस करो. सो दैट्स ओनली मोटिव ऑफ टेलिंग मी दिस स्टोरी. बाकी अगर आप कभी चाहेंगे तो मुझसे पूछना, मैं आपको पूरा और डिटेल में बताऊंगी. सो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इसको ज़रूर देख लेगा, पूरा वीडियो देखिए एंड मुझे जरूर बताइए आपको कैसे लगा ये मेरा एक्सपीरियंस. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वेरी वेरी क्लोज टू मी, एंड मैं हमेशा से ये सबको बताती हूँ एक्चुअली वाली चीज़. सो मुझे जरूर बताइए वो कैसी लगी है वीडियो, अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी अगर इतनी सी मोटिवेशनल लगी है, अगर इतना सा भी आपको लगा है कि हाँ यूनिवर्स नोज हमें क्या चाहिए, ये नहीं मिला कोई बात नहीं, ये हमारे लिए कुछ नया अच्छा है, तो ज़रूर बताइएगा. आई दिस इज़ वेरी 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 वीडियो जो मैं बहुत ही आपको दिल से बता रही हूँ. So I hope you enjoy watching this video. Do let me know in the comment section कैसे लगी आपको ये. Thank you so much. Bye bye.